हेलो एवरीवन, आई एम श्रीमयी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं और अगर आप लोगों को ये वाला मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एट द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मौसम देख के ही आप लोग को पता चल रहा होगा यहाँ पर कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है। वीडियो पर इतना पता नहीं चल रहा है लेकिन आप लोग नीचे देख सकते हैं कितनी ज़ोर के पानी जो है बारिश की जा रही है ड्रेनेज एरिया में। और अभी शायद आप लोग को दिख रहा होगा कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है। तो आप पूछ सकते हो आज का दिन जो है काइंड ऑफ रेनी डे इवनिंग टाइम का डे है। तो यहाँ पे ऐसा जैसा कुछ बारिश का रेनी सीज़न नहीं है लेकिन हाँ एट द एंड ऑफ समर जब बहुत ज़ोर की धूप होती है ना तो कभी कभार बारिश हो जाती है। आप लोग के यहाँ अभी कौन सा मौसम चल रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन पर बताना है। और ये जो व्यू है मेरा बालकनी का व्यू है। तो ऐसे बारिश के मौसम में ना स्पेशली इवनिंग टाइम पे चाय पकौड़ी खाने का बहुत ही अच्छा लगता है। और वैसे तो हम लोग हर रोज़ इवनिंग में चाय पीते हैं तो क्योंकि आज मौसम इतना अच्छा था तो मैंने सोचा कि चाय के साथ क्यों ना पकौड़ी बनाया जाए। तो मैं नॉर्मल पकौड़ी नहीं बना रही हूँ आज, मैं आप लोग के साथ कुछ स्पेशल बट ईजी एंड वेरी टेस्टी एग पकौड़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसको हम लोग एग पकौड़ा भी बोलते हैं। तो पहले मैं एक तरफ चाय बिठा रही हूँ, पानी और दूध को मिला के हम लोग बनाते हैं। कुछ कुछ लोग प्लेन दूध में ही बनाते हैं लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड को लाइक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ दूध वाला ही पसंद है। तो और एक तरफ मैं बैटर बना रही हूँ एग पकौड़ी के लिए। तो उसमें मैं ली बेसन, उसमें ऐड की थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हींग और ये थोड़ा सा MDH ब्रांड का जो है तंदूरी मसाला। उसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। अगर आप आलू के पकोड़े बना रहे हो या फिर गोभी के पकोड़े या फिर भाजी जब बनाते हो ना तो ये वाला तंदूरी मसाला ऐड करके आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोग को अच्छा लगेगा। अब मेरा जो है लाइक चाय में मैं डाल दी चाय पत्ती और फिर चीनी, नॉर्मल जैसे चाय बनाती है उसकी रेसिपी मैं तो शेयर नहीं कर रही हूँ बट वैसे ही बता रही हूँ जैसे हम लोग बनाते हैं घर पे। और अभी मैं इसको एक बार मिक्स कर रही हूँ और इसमें अभी मैं धीरे धीरे करके पानी ऐड करती जाऊँगी। एक साथ पूरा पानी मत ऐड करना वरना जो है गुठली आ जाते हैं यानी कि लम्स हो जाते हैं। फिर उसका एक लाइक थिक सा ही बैटर आपको बनाना है लेकिन स्मूथ सा बनाना है। और फिर नॉर्मली आप लोग जैसे गोभी या फिर आलू के पकौड़े जैसे बनाते हो ना उसी टाइप का ही उसमें फिर आपको जो है अंडा को फिर डिप करके फ्राई करना है। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कीजिएगा आप जो है अंडा को बॉईल कर दीजिएगा। और ये बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है अगर आप लोग वेजिटेरियन यानी कि अंडा खाते हो तो। स्पेशली सेम वे में आप आलू या फिर गोभी के पकौड़े भी बना सकते हो, सेम टाइप का बैटर बना के फिर आप गोभी और आलू को कट करके या फिर आपके कोई भी वेजिटेबल को कट करके आप बना सकते हो। अभी मेरा जो चाय उबल गया है अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। हम लोग हमेशा जो है अदरक वाली ही चाय पीते हैं लेकिन इस दिन जो है अदरक थोड़ा लाइक ख़त्म होने वाला था तो मैं थोड़ा सा ही बच गया था तो रात के डिनर के लिए रखी थी लाइक करी में डालने के लिए, इसलिए मैं आज ब्लैक पेपर का ही चाय पी रही हूँ। और अभी एक देख लीजिए आप लोग, मैं अंडा को लाइक हाफ में कट कर रही हूँ। मैं पहले से एग को बॉयल करके रख दी थी और फिर बॉईल होने के बाद उसको मैं हाफ हाफ करके कट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे दो जो बड़ी लाइक मिर्च आती है ना ग्रीन चिली उसको भी काट करके रख रही हूँ ताकि एग पकौड़े के साथ थोड़ा सा जो मिर्च खाने में मतलब मज़ा ही उसका अच्छा लगता है। अभी मैं कढ़ाई में तेल गरम कर दी, पहले थोड़ा सा बैटर डाल कर लाइक चेक की कि टेम्परेचर अच्छा सही है नहीं है। फिर अभी मैं यहाँ पर एक एक करके जो अंडा काट के रखी थी उसको बेसन में डिप करके फिर यहाँ पे डाल रही हूँ। और इसको अभी हम लोग को फ्राई करना है मीडियम आंच पे, ज़्यादा बहुत टाइम तक फ्राई मत कीजिएगा वरना जो एग जो है वो बहुत चुई यानी कि रबर टाइप का हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप उसको बस गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर दीजिए। जब बैटर जो है बेसन का थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा ऊपर की तरफ फिर आप उसको फ्लिप कर दीजिए और फिर दूसरे तरफ भी उसको गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसको फिर आप निकाल दीजिए। एट द एंड मैं थोड़ा सा जो मिर्च जो काट के रखी थी उसको भी फ्राई कर रही हूँ और जो बचा कुचा जो बेसन था उसको भी मैं थोड़ा सा छोटे छोटे पकौड़ी टाइप का ऐसे बना रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
आप लोगों में से कितने लोग का अच्छा लगता है उस टाइप का, यू नो, जो जो एंड में जो बच जाता है पकोड़े का, उसको तल के खाना मुझे ज़रूर बताना। तो देख लीजिए, फिर 1-2 मिनट के होने के बाद ही मेरा जो एक साइड है अच्छा सा कलर होने लगा था, गोल्डन ब्राउन, तो उसको मैं बस अभी थोड़ा सा फ्लिप कर रही हूँ। बस 2-3 मिनट के अंदर ही इस साइड गोल्डन ब्राउन हो जाता है और आपका जो पकौड़ा है आराम से तैयार हो जाता है। बहुत क्विक एंड ईजी है। आपके घर में अगर अचानक से गेस्ट आ भी रहे हैं और वो लोग एग खाते हो आप, तो ये वाला यू नो स्नैक जो है आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोग एग नहीं खाते हो तो वेज की रेसिपी या फिर कोई भी यू नो वेजिटेबल्स के साथ भी आप ट्राई कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, बस एग को बॉईल करना है और बेसन की बैटर में डिप करके बस उसको लाइक फ्राई करना है। और ये देख लीजिए, हम लोग का जो एग पकौड़ा है बन के तैयार है। और जैसे ही आप उसको निकाल देंगे, मैं यहाँ पे एक यू नो किचन टॉवल यानी कि टिश्यू पेपर जिसको बोलते हैं वो रखी हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल सा न्यूज़पेपर भी रख सकते हो एक्स्ट्रा ऑयल निकालने के लिए। और बस मेरा चाय भी हो चुका है, तो अभी मैं लाइक चाय को स्ट्रेन कर रही हूँ और हम लोग का जो इवनिंग का टी टाइम स्नैक है, ये देख लीजिए तैयार है। उसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ थोड़ा सा यू नो टमाटो केचप एंड चिली सॉस को मिक्स करके। और जब मेरा पकोड़ा गर्म है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ चाट मसाला, उससे बहुत ही यू नो चटपटा सा थोड़ा सा खट्टा टाइप का टेस्ट आता है। तो अगर आपको चटपटा खट्टा खाने का अच्छा लगता है तो आप चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए उसके ऊपर, और अगर आपको खट्टा इतना अच्छा नहीं लगता है तो आप ऐसे ही उसको खा सकते हो कोई भी यू नो चटनी यानी कि केचप के साथ भी। तो ये देख लीजिए, हम लोग का जो है गर्मा गर्म पकौड़ा विद चाय यानी कि एक बहुत ही अच्छा वाला स्नैक रेसिपी शाम के टाइम के लिए बन के तैयार है। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग बाहर निकल गए हैं प्रशा के कुछ एक्टिविटीज़ करवाने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाइब्रेरी, तो वहाँ पे एक एक्टिविटी होता है बच्चे लोगों के लिए लाइक स्टोरी टाइम ऐसे बोलते हैं वहाँ पे। तो ये 30 मिनट्स का स्टोरी टाइम रहता है जहाँ पे बच्चे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और इसमें कोई एज गैप नहीं है, आप लाइक बहुत छोटे से बच्चे से लेके 5-6 ईयर तक भी कितने भी बड़े बच्चे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग के भी बच्चे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपने बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, तो आप लोग भी अपने एरिया में ट्राई कीजिए, अगर वहाँ पर अवेलेबल है तो इस टाइप का कोई भी स्टोरी टाइम एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं लाइब्रेरी। तो जैसे कि मैं बोली, ये जो स्टोरी टाइम रहता है ये 30 मिनट्स का रहता है। और यहाँ पे इन जनरल क्या होता है कि फर्स्ट वो लोग एक बुक पढ़वाते हैं बच्चे लोग को, और हर डे डिफरेंट डिफरेंट टीचर रहते हैं वहाँ पे। तो पहला जो है बुक पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद एक छोटा सा पोम यानी कि राइम पे वो लोग को डांस करवाते हैं। उसके बाद होता है एक पपेट शो, जैसे कि हम लोग यहाँ बोला जाता है लाइक पुतली का जो शो होता है ना पहले, उस टाइप का पपेट शो जिसको बोलते हैं वो करवाते हैं। और उसके बाद फिर ख़त्म होता है स्टैम्प के साथ, बच्चों को हाथ में स्टैम्प लगाते हैं जो इन जनरली यू नो बच्चों लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं सब कुछ यहाँ पर दिखाने वाली हूँ पूरा, और आप लोग को भी शायद कुछ आइडिया हो जाए। तो ये देखिए, हम लोग अभी लाइब्रेरी के अंदर आ गए हैं। यहाँ से पहले हम लोग करेंगे कार्ड कलेक्ट, और फिर एक दूसरे रूम में बच्चे लोग का जो है स्टोरी टाइम रहता है। फिर अंदर जाने से पहले हम लोग को कार्ड देना पड़ता है ताकि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं उनको पता चलेगा, काउंट है, और उसके बाद फिर स्टोरी टाइम जो है शुरू हो जाएगा। Falling from the sky.
मैं देखो रिंग ग्रीन करो The tiger Achilles growled. The Johnny jump ups jumped up and down. And the black eyed Susans were spoiling for a fight. They all wanted water. Cold! Why am I feeling this cold? Oh, you guys, it started to snow! Oh my goodness, I have to get my hat! I will be right back! I wasn't expecting this at all. Let me get my winter scarf and my hat and I will be... Oh, the hat is covering my eyes! Oh, I can barely see for my walk. Oh! तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कितने एज ग्रुप के बच्चे थे और क्या क्या सब हो रहा था यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि सब बच्चे सुनते ही हैं, लेकिन हाँ सब पेरेंट्स का ये कोशिश रहता है कि बच्चे लोग आके सब एक दूसरे से मिले, थोड़ा सा उनका लिसनिंग स्किल्स जो है वो बढ़े, फिर थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ हो जो यू नो सबके साथ मिल के उनका लर्निंग स्किल्स जो है ज़्यादा बढ़ सके। तो बस अभी जो लाइक उनका जो स्टोरी टाइम था ख़त्म हो चुका है और अभी होगा लास्ट वाला सेशन जो कि है लाइक स्टाम्प लगाना। लास्ट में फिर बच्चे लोगों को हाथ पे स्टाम्प लगाते हैं जिससे बच्चे लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग भी लेके आते हैं। इवन तो प्रिशा भी इतनी बड़ी नहीं है, बहुत कुछ चीज़ वो भी समझ नहीं सकती, बट हाँ जितना राइम्स या फिर पोइम्स वो जितना जानती है शायद वो सबको थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाए, उसका थोड़ा सा एक्टिविटीज़ बढ़े, छोटे छोटे बच्चे लोग के साथ वो भी मिले। तो यू नो इट्स अ गुड वे ऑफ डूइंग एक्टिविटी फॉर योर किड्स, क्योंकि जब लोग जो बच्चे लोग लाइक डे केयर जाते हैं तो वहाँ पे तो वैसे ही बहुत कुछ वो लोग सीख जाते हैं, लेकिन आपके अगर बच्चे डे केयर नहीं जाते हैं, जिसकी पेशा नहीं जाती, मैं उसे घर पर ही संभालती हूँ, तो इस टाइप का छोटे छोटे एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हो आपके नियर बाई एरिया में अगर अवेलेबल है तो। तो जैसे कि मैं बोली अभी लास्ट सेशन था स्टाम्प लगाना, तो सबको लाइन में रह के फिर एक एक बच्चे को फिर स्टाम्प लगवाते हैं दो हाथ में, और प्रिशा को भी लगा और प्रिशा को बहुत अच्छा लगता है स्टाम्प लगाने से। और अगर आप लोग वरीड कर रहे हैं तो मैं बता दूं ये स्टाम्प आराम से निकल जाता है हाथ से, थोड़ी देर में एक दो घंटे में ही वो आराम से आपके हाथ से चला भी जाएगा। तो जैसे कि मैं बोली ये लाइक इट्स अ वेरी गुड वे टू लर्न लाइक फ्यू स्मॉल स्मॉल थिंग, जैसे कि बच्चे लोग को सिखाना पड़ता है लाइट के आप लोग लाइन पे रहो, क्यू पे लगो, हम लोग के लिए ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बच्चे लोग को ये सब नहीं आता, उनको छोटा छोटा चीज़ भी सब सिखाना पड़ता है और ये सब सारी चीज़ जो है उनके लिए नया होता है, तो ये सब यहाँ से छोटा छोटा चीज़ भी सीखने को मिलता है विच इज़ रियली वेरी गुड। तो उसके बाद अभी हम लोग बाहर आ गए हैं, यहाँ पे जो लाइक नॉर्मल लाइब्रेरी सेक्शन है, लाइक डिफरेंट साइड पे बड़े लोग का भी बुक्स रहता है और यहाँ पे सिर्फ बच्चे लोग का बुक्स रहता है, कुछ कुछ टेबल्स चेयर्स रहता है, सोफाज रहता है, और सारे पेरेंट्स जो यहाँ पे कुछ कुछ टाइम भी स्पेंड करते हैं उनके बच्चे लोग का बुक्स देख के, और आप यहाँ से जो है कुछ बुक्स भी ले सकते हो आराम से फॉर फ्यू डेज़ एंड इट्स कम्प्लीटली लाइक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम लोग भी कुछ बुक्स ले रहे हैं प्रिशा के लिए। चलो चलो चलो
कृष्णा, मामा फिश देख, मामा फिश और अभी फिर कुछ देर लाइब्रेरी पे टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए हैं। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये वाला मेरा इवनिंग रूटीन। आई होप आप लोग को एक अच्छा वाला इवनिंग टी टाइम स्नैक का रेसिपी मिल गया होगा। और अगर आप लोग के बच्चे हैं तो शायद आप लोग को भी कुछ आइडिया हो गया होगा कि आप लोग लाइक नियर बाई एरिया पे या फिर अपने बच्चे लोग के साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हो। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आप लोग को ये वाला मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू ऑल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। बाय बाय।